अल्लाह डेयर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप ठीक है हाँ जी क्लास आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है यूनिट फोर की ये है चैप्टर फ़ोर फर्स्ट एड इसकी मैं आपको ग्रॉसरी और एक्सरसाइज स्टार्ट करवाती हूँ हाँ जी क्लास ये इसकी ग्लॉसरी है देखें जी ग्लॉसरी में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आता है या आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है फ़र्स्ट वर्ड है एक्सेसबल ईजी फॉर एनी वन टू ऑब्ट एंड यूज़ जो हर एक की पहुँच में हो रसाई में हो एडहेसिव, स्टिकी या ग्लोई एंटीबायोटिक अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम क्या है एक ऐसा सब्सटेंस जो काबिल हो कि ख़त्म कर सके या कम कर सके ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आगे इन्फेक्शन द एजेंसी बाय विच डिजीज इज़ कास्ट और ट्रांसमिटेड एक ऐसी एजेंसी जिससे डिजीज़ कास्ट भी होता है और ट्रांसमिट भी हो सकता है इन्ग्रीडियंट्स द सब्स्टांसिस दैट आर कंबाइंड जो जुड़े हों टू मेक समथिंग किसी चीज़ को बनाने के लिए माइनर छोटा रेलिटिवली स्मॉल इन साइज ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं

इसको हम कहते हैं ट्वीज़र ठीक है इसको ट्वीज़र कहते हैं कि इसलिए स्मॉल पेयर ऑफ पिंसर्स होता है फॉर टेकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स छोटे ऑब्जेक्ट्स को निकालने के लिए प्लकिंग आउट हेयर या हेयर्स की प्लकिंग के लिए भी ट्वीज़र यूज़ होता है ये देखें ग्लॉसरी आपने इसको याद करना ऑब्जेक्टिव पेपर में ये आती है इसके साथ आपको इसकी वकेबलरी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ देखें जी मैनी फील्ड्स अ स्पेशलाइज्ड वकीबलरी आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वकीबलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट ये वर्ड्स हैं स्क्रैप्स इन्फेक्शन ऑइंटमेंट बैंडिज ड्रेसिंग एंड स्टिचेस अब ये किस लिए यूज होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है ये मैं आपको सिखाती हूँ हाँ जी क्लास ये वही वाला क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर इसको नोट डाउन किया आपके लिए ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए स्क्रैप कहते हैं रैशेस को एन एंजरी और मार्क कास्ड बाय रबिंग अगेंस्ट समथिंग रफ किसी रफ़ चीज़ को रब करने से जो एंजरी होती है ज़ख्म बनता है निशान बनता है उसको रैशेस बोलते हैं इन्फेक्शन इलनेस को कहते हैं द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉजिंग और गेटिंग अ डिजीज यानी इन्फेक्शन होता है वैन सम वन इज़ इन कंडीशन टू कॉजर डिजीज़ और गैटर डिजीज ऑइंटमेंट मरहम को कहते हैं क्रीम अस्मूथ सब्सटांस एक ऐसा हमवार मादा दैट यू विल रब ऑन द स्किन जो आप अपनी स्किन पर रब कर सकें टू हील अवाउंड एक जख्म को ठीक करने के लिए बैंडेज प्लास्टर होता है आ स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक यूज फॉर टाइंग अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन हार्ट बैंडेज कहते हैं पट्टी को एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा जो आप टूटे हुए चीज़ को जिसम के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकें ठीक है आगे रखें जी ड्रेसिंग स्वैब्स को कहते हैं आ पीस ऑफ सॉफ्ट मटीरियल एक ऐसा नर्मो नाजुक मटीरियल मादा प्लेस्ट ओवर जो रखा जाए अवाउंड एक जख्म के ऊपर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इसकी हिफाजत के लिए ठीक है आगे है स्टिचेस टांके थ्रेड्स शॉर्ट पीस ऑफ थ्रेड टुक क्या है धागे के छोटे छोटे टुकड़े दैट डॉक्टर यूज जो डॉक्टर इस्तेमाल करें टू सू द एजिस ऑफ वाउंड सीने के लिए किसको जख्म के किनारों को इसको नोट डाउन करें थैंक यू सो मच आज का लेक्चर इतना ही था दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह ताला आपका हामिना नासिर हो अल्लाह हाफिज़